जश्न प्रोवाइड करा।
देखो छोटे साहबजाद की याद जो जोड़ मेल होंदा शोक सभा होंदी उहदे च पूरी दुनिया तो लखां की गिणती दे विच लोग जिहड़े ने इत्थे नतमस्तक होण आउंदे ने श्रद्धांजलि देण आउंदे ने। तां पिछली बार भी असीं अगाऊं प्रबंध कीते सी, इस बार भी कि जिस तरह इह सांझ केंद्र है पुलिस का ते SSP साहिबां ने दस्सिया कि इत्थे पासपोर्ट की गुमशुदगी जां किसी दे कागज़ गुम गए जां कोई विदेश दे विच ज़्यादा देर रहना चाहुंदा दी इत्थों इजाजत दा जिस सारा सो जदों ताकि जिथे वो जिहड़ी कोई इस तरह की घटना हुई उहदे नाल ही तुहानूं कितना कितने पुलिस की सहायता मिले ताकि तुसीं जिलों के नाम लिख के जगह जगह दस्या जाऊगा कि इन्ह जिले की पार्किंग जी इतने होगी। सो बाकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और गुरुद्वारा साहब की मैनेजमेंट कमेटी वालों जो भी अलॉटमेंट की जाती है लंगर की जो भी उन्होंने अधिकार खेत्र है उस असी कोई हस्तक्षेप इंटरफेरेंस नहीं करनी बल्कि असी सहायता करा जो भी उन्होंने चाहिए होगी ताकि किसी का कोई जगह पिछे लंगर पिछे या कोई इस तरह का कोई झगड़ा ना हो। सो सारे अपनी श्रद्धा के फुल जोड़े ने पेंट करना चाहते हर एक हक है और बिना किसी ज़्यादा इंटरफेरेंस दे जा बिना किसी झगड़े दे लड़ाई दे जा कोई अनसुखामिया घटनावान के अस चाहते हैं कि जोड़ा जोड़ मेल है वो हाँ जी पुलिस वास्ते खास तौर पर है पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है। मैं विधानसभा के भी बोलिया कि 20 दिसंबर तो 30 दिसंबर तक पंजाब सरकार वालों कोई भी सरकारी जोड़ मेल सिर जोड़ के गुरु साहब के छोटे साहबजाद और माता गुजर कौर इनू एक कोई मेला जा इनू कोई DJ ला के आने जा कोई जलेबिया के लंगर वाला नहीं है एक शोक सभा है उन्हों उस तरीके जोड़ा मनाइए जिमें साडे बजुर्गां ने जिथे जिथे इमीजिएटली सड़क की रिपेयर करनी है जे पानी ने 20 फुट तोड़ी है तो उत्थे 40 फुट दे साइफन पा के उन्हों बढ़ाओ ताकि फ्यूचर दे विच भी कोई इदां दिक्कत ना आवे। हाँ जी वो तो जी जो साडा फर्ज बनता है बच्चों आने वाली पीढ़ियों नू एक ऐसी लामिसाल कुरबानी बारे दसीए जी दुनिया दे विच कोई मिसाल नहीं मिलती कि 5 साल ते 7 साल के बच्चों की जी जिस जालमाना तरीके उन्होंने शहीदी हुई है उन्होंने सो ये जानना जरूरी है ताकि लोग ज्यादा तो ज्यादा श्रद्धांजलि दे सके। एक दिक्कत आंदी है जी इत्थे सुविधा इत्थे सांझ केंद्र दे विच आंदे आ बंदे तो आधार कार्ड वगैरह मंगया जांदा लेकिन उहदा तो लॉस हो जांदा इस करके कई बार FIR भी नहीं लिखी जांदी। देखो आधार कार्ड जां कोई ID तां कोई वोटर ID जां कोई गवर्नमेंट वल्लों अप्रूव्ड जिहड़ी है उह तां जरूरी है कि कोई ना कोई ID वगैरह जे आधार कार्ड बनाउण वास्ते भी इत्थे असीं हुण सर्विसेज शुरू कर रहे हां 10 तरीक तो असीं शुरू कर देंगे जिहड़ा उहदा नाम हैगा भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार। जदों असीं वोटां वेले वोटां मंगण जांदे आ तां फिर वोटां तो बाद सरकार बनने तो बाद लोकां नूं सरकार दे दफ्तर धक्के ना खाने पैण सरकार फिर लोकां कोले जावे जिवें वोटां मंगण जांदे आ तां उहदे च 42 इहो जिहे सर्विसिज ने जिहदे विच तुसीं इक फोन नंबर जारी कर दित्ता है 1076 लॉन्च हो जूगा उस दिन ते उहदे ते फोन करके तुसीं प्रमाण पत्र बनाउणा है जां कोई सर्टिफिकेट लेना है जां कोई अपॉइंटमेंट लेनी है कि रजिस्ट्री करवानी है जी सानूं तहसीलदार तो टाइम लैके दो किन्ने वजे किहड़े दिन आईए ये सारियां सर्विसिज़ तुहानूं तुहाडे गेट ते मिलणगियां डोर ते मिलणगियां और दिल्ली दे विच इह सफल तजर्बा अरविंद केजरीवाल सरकार कर चुकी है सो असीं इत्थे भी शुरू करांगे।
कब्जे करने वाले नहीं है जी, असि कब्जे छुड़ाने वाले हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੇ ਬਾਦਲ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਰੇਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। अचनचेत का कोई नहीं है कि असीं कोई छापा मारिया, जे कोई कमियां होणगियां तां पुछ लांगे। की कमियां मिलियां इत्थे? नहीं कोई, एसएसपी साहिबां ने दस्सिया कि सांझ केंद्र चलदा है, इत्थे स्टाफ हैगा और सांझ केंद्र थाने दे विच ही है, सारियां जुड़ियां होईयां समस्यां पुलिस नाल जिहड़ियां ने ਉਹ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਢੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਲ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਤੇ ਸੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਸੀ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਸਰ।